हे माय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम बैक टू अनुप्रयास लवली यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? आज की वीडियो है आप लोगों के साथ कुछ ऐसे समर बर्न्स के बारे में बताने वाली हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में हमें खुले बाल रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी लगती है खुले बालों में। मैं भी बर्न बनाकर रखना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि काम करते हुए बाल जब गर्दन पर लगते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो भी आपको बन बनाकर रखना मतलब अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में हम तीन ऐसे बन देखेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग भी है और इस समर आपको लाइफ सेविंग हैक की तरह लगने वाले हैं और बहुत जल्दी सिंपल इजी वे में ये फटाफट से हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बन है और कौन कौन से हैक है, आपको किस तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी देख लेते हैं पहला बन जो बहुत ही सिंपल है। आपको फ्रंट से पफ बनाना है, आप चाहे तो अगर पफ नहीं भी बनाते तो पीछे टाई अप कर लेने हैं आपको अपने बाल, इससे आगे से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैं पफ बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से पफ बना रही हूँ। आप चाहें तो क्लचर की मदद से कर सकती हैं, पिन्स की मदद से कर सकते हैं, टिक टिक पिन की मदद से कर सकते हैं या फिर बॉबी पिन की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पफ बनाया है, मैंने पहले क्लचर से बनाकर दिखाया था, अब मैं बॉबी पिन से इसे बना रही हूँ। तो पफ बनने के बाद आप सारे बालों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक पॉनी टेल में क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो जब ये पॉनी टेल में क्रिएट हो जाएगी, एक पॉनी टेल बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लूज करना है। और जैसे कि हम एक ट्विस्ट पोनी टेल बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको ऊपर से नीचे की तरफ बाल को खींचना है और इस तरीके से ट्विस्ट पोनी टेल बन जाएगी और उसे रोल करते हुए आपको बहुत ही स्टाइलिश सा जूड़ा बनाना है और जूड़े को पकड़ कर रखना है जब तक वो सारी तरफ से सिक्योर ना हो जाए। अगर सिक्योर नहीं होगा तो प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, नहीं तो सारे बाल खुल जाएंगे। तो जब ये सिक्योर आपको लगे, थोड़ा बहुत सिक्योर हो गया है, तब आप हाथ छोड़कर भी सारी तरफ पे पिनअप कर सकते हैं। तो जब ये पिनअप हो जाएगा तो एक तरह का मेसी बन की तरफ क्रिएट हो जाएगा और बहुत सुंदर लगता है। आप कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है या घर पे भी हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये जूड़ा आप बनाकर जा सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में इसे वेयर कर रहे हैं तो सेंटर में आप फूल लगा सकते हैं या फिर इस तरीके की स्टाइलिश जूड़ा पिन लगा सकते हैं जो इसे थोड़ा सा लुक को इन्हांस कर देगी, काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसके चारों तरफ जो है कचरा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल में मैंने फ्रंट पार्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रखा है। फ्रंट हेयर स्टाइल को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले हेयर स्टाइल की तरह रखा है। सेम बॉबी पिन की मदद से मैं इसे सिक्योर कर रही हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, सारे बालों को हम पीछे की तरफ टाई अप कर लेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रबड़ बैंड लगा लूँगी। रबड़ बैंड लगाते ही मैं बालों को दो भाग में डिवाइड कर लूँगी इक्वली। तो इस तरीके से हम इसे ट्विस्ट कर लेंगे जैसे कि नॉर्मली हम जूड़ा बनाते हुए करते हैं। तो एक साइड को ट्विस्ट कर देंगे, हल्का हल्का हम इसे खींच कर थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ताकि थोड़ा बड़ा सा जूड़ा लगे, क्योंकि बाल अगर पतले हैं आपके, मेरे काफ़ी अच्छे हैं, मेरी स्टेप कटिंग है तो ऊपर से काफ़ी हैवी लुक आता है, नीचे से पतले हो जाते हैं, क्योंकि स्टेप कटिंग में आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से होता है, कि लेयरिंग में होता है। तो थोड़े बहुत बाल निकलेंगे मेरे, अगर आपके बाल स्ट्रेट हेयर कट है तो आपके बिल्कुल बाल नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो बॉबी पिन की मदद से या जूड़ा यू पिन की मदद से अपने जूड़े को सिक्योर कर सकते हैं। अब बारी आती है दूसरे की, तो उसे भी हम सेम जैसे पहले किया था उस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, उसके बाद हल्का हल्का खींच लेंगे, थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद जूड़े को हम बांध लेंगे दूसरे के ऊपर, ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करते ही जब सारे बाल अंदर चले जाएं तो बॉबी पिन की मदद से उसे सिक्योर कर लें। तो आप चाहें तो जितने मर्जी बॉबी पिन लगा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉबी पिन्स लगाना या यू पिन्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा हेडेक होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं 3 से 4 ही बॉबी पिन्स लगाती हूँ और उसी में मेरे बाल जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आप चाहें तो आगे पफ ना भी बनाएं तब भी ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, इस गर्मियाँ थोड़ा स्टाइलिश दिखा जाए। तो अब बारी आती है तीसरे हेयर स्टाइल की। यहाँ पर
पहले वाले को मैं सेम हेयर स्टाइल रखूंगी, आप चाहें तो निकाल कर डायरेक्टली सारे बाल पीछे कर सकते हैं। अब मैं हाफ बालों को क्लच कर लूंगी, जैसा कि हम नॉर्मली क्लचर से करते हैं। एक छोटा मीडियम साइज का क्लचर लें और उससे हाफ बालों को क्लच कर लें, और आप चाहें तो हाफ हाफ बाल करके भी ये बन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि सेकंड वाले का हमने किया था, या फिर आप पूरे बालों को लेकर हल्का सा स्प्रेड कर लें, इस तरीके से खींच लें, और उसके बाद जहाँ पर हमने क्लचर लगाया था उसको ओवरलैप करते हुए हम इस बन को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यू पिन की मदद से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है, और ऐसा दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेन क्लचर की जगह एक फैंसी क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक फैंसी बन बनकर रेडी हो जाएगा, वो भी 2 मिनट में। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती ऐसे बन क्रिएट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये हेयर स्टाइल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो फटाफट से लाइक कर लें, और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, उनको भी थोड़े से हेल्प मिल जाए इस गर्मियाँ। तो फटाफट से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आप चाहें व्हाट्सएप पे, तो फटाफट से इसे शेयर कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया ब्लॉग्स, तो फटाफट से वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मिलती है फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।